हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या होता है, क्या हम निमोनिया में नहा सकते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो गाइस, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। निमोनिया क्या है? निमोनिया सांस से संबंधित एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई के कारण होने वाला इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया होने पर मरीज के जो लंग्स टिश्यूज होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और जो लंग्स में फ्लूड है वो बनने लगता है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो आमतौर पर वायरल निमोनिया की तुलना में अधिक ज़्यादा गंभीर होता है या खतरनाक होता है। निमोनिया होने पर मरीज के एक या दो लंग्स प्रभावित हो सकते हैं। इससे बायलेटरल या डबल निमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं क्या निमोनिया में हम नहा सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों का यह दावा है कि निमोनिया होने पर नहीं नहाना चाहिए, वही कुछ लोग निमोनिया में भी नहाने की सलाह देते हैं। सच्चाई ये है कि निमोनिया होने पर मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, जबकि अगर व्यक्ति निमोनिया के दौरान गुनगुने पानी से नहाता है तो उससे उसकी लंग्स रिलैक्स होती है और सांस लेने की तकलीफ में कमी आती है। यही नहीं, अगर मरीज निमोनिया में नहाता है तो उससे उसकी स्किन क्लीन होती है, निमोनिया का इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और मरीज के स्वास्थ्य के लिए भी सही माना जाता है। जब आप गुनगुने या हल्के गर्म पानी के संपर्क में आते हैं तो इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है जिससे ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है। इससे अन्य छातियों से संबंधित बीमारियों से राहत में मदद मिलती है। अब हम जानते हैं निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या है। आमतौर पर निमोनिया के प्रकार और उसकी वजह जानने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा मरीज की उम्र, उसके स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उसका इलाज किया जाता है। हालांकि निमोनिया से रिकवरी के लिए हर मरीज को निम्न सुझावों को अपनाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवा आवश्यक तौर पर लें। सेकंड है, ध्यान रखें निमोनिया होने पर कभी भी खुद से कोई दवा ना लें। तीसरा पॉइंट है, गर्म सूप गर्म पानी पिए। इसके अलावा स्टीम लेना भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर समय बीतने के साथ स्थिति में सुधार न हो, खांसने में तकलीफ हो तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। निमोनिया होने पर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग न करें। निमोनिया होने के दौरान कंप्लीट रेस्ट करें, बिस्तर से न उठें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आने वाली और सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।